फोर्थ क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, हम ये रचना सागर की फॉर एवर शोर्स स्टडी पढ़ेंगे, पेज नंबर 44 है। वेदर एंड क्लाइमेट्स, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट अ फाइन वेदर इट इज, कितनी फाइन वेदर है, लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलते हैं। यू माइट हैव स्पोकन, कभी तो तुमने ये बोला होगा ना, सुना भी होगा। तो हैव यू एवर थॉट सो टू व्हाट इज वेदर, कि कभी आपने सोचा है क्या है ये वेदर। वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमोसफेयर, ये एटमोसफेयर की एक स्टेट है, एट अ प्लेस, एक स्थान पर, फॉर अ सर्टेन टाइम डिपेंडिंग हीट, जिसमें डिपेंड करता है हीट है, क्लाउडीनेस है, ड्राईनेस है, सनशाइन हो रही है, विंड्स चल रही है या रेन आ रही है, इन दैट एरिया, उस एरिया में। न्यूज़पेपर में भी वेदर रिपोर्ट पब्लिश होती है, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना, मिनिमम टेम्परेचर इतना, मून सेट इतना, मून राइज इतना, ये सब आता है ना, वही सच है जे। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, और मिनिमम जो है वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है 24 घंटे के अंतराल का, और जो इनमें डिफरेंस होता है वो रेंज ऑफ टेम्परेचर कहलाता है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम में जो डिफरेंस होगा वो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। वेदर ये एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उस दिए गए स्थान की स्पेसिफिक टाइम पर, यह चेंज होती लगती है फ्रिक्वेंटली और मे चेंज इन आवर्स एंड डे, कुछ घंटे में भी चेंज हो सकती है और डेज में भी। इट मे बी क्लाउडी, क्लाउडी भी हो सकती है मॉर्निंग में, बट इट मे बी रेन एट नून और वाइस वर्सा, मतलब दिन में बारिश। क्लाइमेट जो है, वेदर कंडीशन जो है प्रिवेल करती हैं ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी 30 से 35 ईयर्स में जो वहाँ की उस एरिया की लंबे समय से जो देख रहे हैं वो क्लाइमेट है। तो इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंडिया में मानसून टाइप है, क्योंकि समर हॉट होती हैं, वेट होती है, विंटर जो है कोल्ड एंड ड्राई होती है। एक्चुअली द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस जो है कंसीडर होती है एक एवरेज वेदर की, एवरेज के आधार पर और कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया पर। हम डिफरेंस पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट्स के। वेदर टेम्प्रेरी होता है, चेंज होता रहता है फ्रिक्वेंटली स्मॉल एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे दिल्ली में। क्लाइमेट जो है वो परमानेंट होती है, जो कि वेदर कंडीशन है, ये 30 से 35 साल के हिसाब से निकाली जाती है। फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट जो अफेक्ट करती हैं फैक्टर्स क्लाइमेट को, वो है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, कि इक्वेटर से जो दूरी है एट द इक्वेटर, रेज जो है डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है, और वर्टिकल होती हैं। देयरफोर एरियाज नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास जो एरियाज होते हैं वो हीट होते हैं। टूवर्ड्स द पोल्स, पोल्स की तरफ रेज जो है स्लांटिंग पड़ती हैं, स्लांटिंग मतलब थोड़ी तिरछी हो जाती हैं, तो स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, तो क्या होता है लार्ज एरिया पर पड़ती हैं, इसीलिए नियर द पोल्स आर वेरी कोल्ड, पोल्स के पास वाले एरिया जो है बहुत कोल्ड होती हैं। फिर है ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या है, हाइट, वो होती है जो सी से, और जैसे इस तरह से हिसाब लगाएं तो ये हाइट है पूरी। तो जब जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो कूलर, हम ठंडा महसूस करते हैं। द हाइट ऑफ ए प्लेस इज अ मेजर, जो हाइट है वो प्लेस की वो मेजर करी जाती है सी लेवल से। जैसे ही पीपल जो है हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं समर में, उनको ठंडा लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर डाउन हो जाता है, चाहे वो हम समर में जाए तब भी। ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन हाइट, हाइट इंक्रीज होने से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ऐसा हमें पता लगता है। तो हम कंपेयर करें अगर चेन्नई के को ऊटी के साथ, तो ऊटी ज़्यादा ठंडी होगी, क्यों, क्योंकि हाइट की वजह से। माउंट आबू को राजस्थान से, राजस्थान माउंट आबू इन राजस्थान इज कूल, राजस्थान में जो माउंट आबू वो कूल रहता है, कब, समर में, अदरवाइज ये हॉट और ड्राई रहता है। माउंटेन किलिमंजारो सुना है आपने, ये माउंटेन जो है लोकेट है नियर द इक्वेटर, जो कि अफ्रीका के पास है, बट इट्स स्टिल इट्स पीक रिमेन्स स्नो कवर्ड, ये स्नो से कवर्ड रहती है हाइट के कारण, क्यों, ये भी क्या कारण है इसका भी, हाइट ही कारण है इसका भी, जिसके कारण ये कवर रहती है। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी से जो डिस्टेंस होता है, लैंड हीट्स अप, लैंड हीट होती है और कूल भी जल्दी हो जाती है वाटर की तुलना में। सी इज नेवर टू हॉट, ना ठंडा ज़्यादा होता है ना गर्म ज़्यादा, इसलिए मॉडरेट क्लाइमेट होती है। जो प्लेसेस के आसपास होते हैं उनकी क्लाइमेट भी मॉडरेट रहती है, और क्लाइमेट मुंबई के इसी कारण से मॉडरेट रहती है। जो दूर है सी से वहाँ हॉट रहती है, समर्स और कोल्ड विंटर होती हैं, ये एक्सट्रीम क्लाइमेट कहलाती है, जो कि दिल्ली में ऐसा होता ही आप महसूस करते होंगे। अब विंड का डायरेक्शन, डायरेक्शन के हिसाब से भी क्लाइमेट अफेक्ट होती है। अगर विंड जो है फ्रॉम द सी आ रही है और रेन ला रही है,
तो इंडिया को भी रेन आएगी समर्स में साउथ वेस्ट विंड से, ठीक है। और विंड्स कमिंग फ्रॉम लैंड, अगर लैंड से विंड्स चल रही हैं और ड्राई हैं, डू नॉट कॉज रेन, और रेन नहीं आती जिसके कारण, तो विंटर है इन इंडिया। और ड्राई एक्सपेक्ट फॉर द नॉर्थ एंड एक्सट्रीम कोस्टल प्लेन्स में होगी। फिर है डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, माउंटेन का डायरेक्शन भी बहुत डिपेंड करता है। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, रेन्स होंगी और रिलीफ रेनफॉल भी कहेंगे। जैसे वेस्टर्न घाट पर एट राइट एंगल बन जाता है साउथ वेस्ट समर मानसून का, एंड रिसीव बहुत तेज हैवी रेन्स आती हैं जून से सितंबर में। सीजन इंडिया में सीजन है विंटर समर एंड रेनी, मेन सीजन है। विंटर सीजन जो है लास्ट होता है, जो कि नवंबर टू फरवरी चलता है। ये नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है दिसंबर के महीने में और जनवरी तक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर टेम्परेचर साइक्लोन्स भी कहती हैं। और ब्लो फ्रॉम द ये मेडिटेरियन सी से चल मेडिटेरेनियन सी से चलती हैं। हैवी स्नोफॉल होती है इसमें और रेनफॉल भी होती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। फोग्स दिखाई देता है, फोग आप जानते होंगे, और फ्रिक्वेंट होता है नॉर्थ में। डे जो है शॉर्ट्स होती है, नाइट लंबी और ठंडी होती है। कोस्ट ऑफ तमिलनाडु को छोड़ करके विच रिसीव रेन, जो कि रिसीव करता है रेन नॉर्थ ईस्ट मानसून से, वो कंट्री ड्राई रहती है। लॉट ऑफ एप्पल ऑरेंजेस, यहाँ एप्पल और ऑरेंजेस वेजिटेबल्स और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स इस सीजन में उगती हैं। समर सीजन ये लास्ट अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च होता है और एंड ऑफ जून रहता है। मार्च में शुरू हो जाता है और एंड जून में होता है। सीजन जो है करेक्टराइज किया जाता है हीट के कारण और ड्राइनेस के कारण पूरे इंडिया में, कोस्ट एंड हिली रीजन्स में। द डेज जो है लंबे होते हैं, नाइट छोटी होती हैं। जून 21 सबसे बड़ा लंबा दिन है। लोकल विंड जो है इन्हें लू कहा जाता है, जो कि नदन प्लेन्स में होती हैं। कल वैसाखी, जो वेस्ट बंगाल में, आसाम में इनको मैंगो शोर्स बोलते हैं। और टेम्परेचर जो है हायर रहता है साउथ साइड एज इट सराउंडेड बाई वाटर, क्योंकि ये पानी से घिरा हुआ है थ्री साइड से और इक्वेटर के पास है। बींग लो लैंड एरियाज, जो लो लैंड एरियाज है कॉज हाई टेम्परेचर होता है वहाँ भी। फिर है मानसून सीजन, इसको रेनी सीजन के नाम से भी जाना जाता है। ये जून से सितंबर में होता है। टेम्परेचर जो है नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम हो जाता है मई के एंड में। द मॉइस्चर लेडन विंड्स कम, मॉइस्चर लेकर आई हुई विंड आती हैं यहाँ अरबियन सी से। हैवी रेन होती है जिसके कारण वेस्टर्न कोस्टल रीजन पर वेस्टर्न घाट जो है एक बैरियर की तरह यहाँ काम करता है। ये विंड्स जो हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहलाती हैं और इसी के कारण मॉडरेट रेन होती है डेक्कन रीजन में। आफ्टर क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल, जब ये बे ऑफ बंगाल को क्रॉस कर जाती हैं, दे पिक अप द मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को पिक कर लेती हैं और हैवी रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। रेनफॉल जो है अनइवन और डिस्टर्ब हो जाती है कुछ रीजन से, जिसके कारण फ्लड आ जाती है, यानी बाढ़ आ जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है। फ्लड आई थी जैसे आसाम में आती रहती है, ड्रॉट जैसे राजस्थान और गुजरात में। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।